या महिलाओं की बात हो, सभी ने अपनी अपनी ओर से ये बातें कही हैं कि खास तौर पर जो बजट है वो मध्यम वर्ग के लिए काफी फायदेमंद हो, ऐसा लोगों को कहना है। और किसान किसान बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में है, 80% किसानों की संख्या यहाँ पर है, और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होता है कि बजट में किसानों के लिए क्या किया जाता है। हालांकि किसानों ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो MSP है, समर्थन जो मूल्य है, उसको और बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो खाद बीज की समस्या उनको होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक ठोस कदम सरकार उठाए। लेकिन जिस प्रकार से अभी 65 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, उससे किसान काफी ज्यादा संतुष्ट नहीं है, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो ये रेट है वो और ज्यादा बढ़े, और किसानों को उम्मीद है। इसके अलावा जो गृहिणी है, जो घर में महिलाएं हैं, जो घर का कामकाज संभालती हैं, उन्होंने भी कहा है कि आम महिलाओं के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उनको महंगाई से निजात मिल सके। तो रायपुर के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा जो बेरोजगार हैं, क्योंकि 22 लाख पंजीकृत बेरोजगार छत्तीसगढ़ में हैं, और ऐसे में बेरोजगारों को भी उम्मीद है कि सरकार से, मोदी सरकार से, कि कुछ न कुछ बेरोजगारों के लिए किया जाए, क्योंकि जो 15 लाख बेरोजगारी का वादा था वो पिछली सरकार ने पूरा नहीं किया था। तो हालांकि पिछली सरकार ने नहीं किया, लेकिन इस बार उम्मीद है लोगों को कि ये जो बेरोजगारी के जो समस्या है वो दूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, और जिस तरह से किसानों की समस्या को लेकर वक्त वक्त पर कई आंदोलन भी हमने देखे हैं, क्या वाकई में लग रहा है कि छत्तीसगढ़ को इस बार कुछ मिलने वाला है? और साथ ही जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज लेके जो छत्तीसगढ़ की जो पटरी को चलाने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है क्या बेसिक चीजें इस बजट से छत्तीसगढ़ को मिल सकती हैं? क्या रेल तमाम चीजें की अगर हम बात करें तो क्या वो उन सब चीजों को लेके क्या कुछ कहना है? राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल? देखिए, मौजूदा प्रदेश सरकार की मैं बात करूं तो लगातार वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। पहले धान के जो मामला है, धान पे कटौती की गई, उसके बाद जो मिट्टी तेल प्रदान किया जाता था उसमें भी केंद्र सरकार ने कटौती कर दी। तो ये दोनों मामलों को लेकर लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार को घेरती नजर आई है। हालांकि राज्य सरकार को उम्मीद है, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी हमने ये सवाल पूछा था कि बजट से छत्तीसगढ़ को कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ यहाँ पर हो पाएगा? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने बहुत सारी चीजों को बजट में शामिल करने की मांग की है, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि भेदभाव लगातार केंद्र सरकार कर रही है। ये ऐसा होता है रस्क कि हर बार बजट में देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ को कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन बजट पेश होने के बाद जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके उनको लिए कुछ होता नहीं है। बजट पिछले बार भी सरकार ने पेश किया था, खास तौर पर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे योजनाएं नहीं बनी थी यहाँ के लिए कि यहाँ के लोगों को फायदा हो सके। हालांकि अभी उम्मीद है कि इस बजट में कुछ न कुछ छत्तीसगढ़ को मिले, जिससे जो विकास का कार्य है और जो लोगों की समस्याएं है वो दूर हो सके। बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने की चुनौती के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। विशाल जनादेश के साथ बनी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में रोजगार, कृषि, कमजोर मानसून जैसे बुनियादी मुद्दों पर ठोस कदम की उम्मीद की जा रही है। अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए पूंजी जुटाना, बढ़ता राजकोषीय घाटा, गिरती GDP को थामना, बैंकों के खस्ता हाल, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, लाचार किसान जैसे मुद्दे इस बजट की तस्वीर तय कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से आर्थिक विकास की घटती दर को 8% तक ले जाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार कुछ ऐसे प्रावधानों की घोषणा कर सकती है जिससे लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़े, और इसके लिए आयकर स्लैब को 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार के फोकस एरिया में रह सकते हैं। बजट में सरकार रोड, रेलवे जैसे बुनियादी सेक्टर के विकास पर और ज्यादा खर्च करने का ऐलान कर सकती है, और बजट में रोजगार सृजन सरकार का मुख्य एजेंडा हो सकता है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विकास की धीमी रफ्तार की वजह से नई नौकरियों का न हो पाना भी है।
तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री संसद के लिए रवाना हो चुकी हैं, बजट पेश करेंगी। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस भी दिखा रहा है और आज आम बजट देश का निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आपको बता दें कि देश की ये दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जो देश का वित्त बजट पेश करने जा रही हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री भी हुआ करती थी, प्रधानमंत्री थी जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, सबसे पहले उन्होंने देश का आम बजट पेश किया था। तो आज का